हेलो स्टूडेंट, आज हम लर्न करेंगे रजिस्टर इन पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे मैंने एक सर्किट बना के रखी है जिसमें तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को मैंने पैरेलल में ज्वाइन किया है। उसके साथ बैटरी वी वोल्टेज की ज्वाइन की है जिसमें से आई एम्पियर करंट निकल रहा है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। ईच रेजिस्टर में से जो करंट जाता है वो डिफरेंट है। हम मान लेते हैं कि R1 रेजिस्टर में से I1, R2 में से I2 एंड R3 में से I3 करंट पास हो रहा है। बाद में वो कंबाइन होके अल्टीमेटली फिर से I बन के यहाँ पे आ जाता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि हमने तीनों रेजिस्टर R1, R2, R3 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। फिर हम दिखाएंगे कि इसमें टोटल करंट इंडिविजुअल करंट का सम होता है, लाइक दिस। तो I इज इक्वल टू I1, I2 एंड I3। एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। I को मेन लगाएंगे तो I इज इक्वल टू V बाय R। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब इसी तरह इसका हम इंडिविजुअल बनाएंगे तो I1 का V बाय R1, I2 का V बाय R2, I3 का V बाय I3, क्योंकि इसमें पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ये सभी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ये सभी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने यहाँ पे लिख दी है। V को हम कॉमन निकालेंगे, बोथ साइड में हम कैंसल आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो मिला है वो है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर का फॉर्मूला। तो इसमें हमें इतना पता चलता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टर। और लास्ट में मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द लेस देन ईच रेजिस्टर।